आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जल्द ही बिहार आने वाले हैं, ये उनके समर्थकों के लिए काफी अच्छी खबर है। लालू प्रसाद यादव बिहार आने वाले हैं, इस बात की जानकारी राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने दी है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव की अभी तबीयत ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, जो डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं उन्होंने उनके स्वास्थ्य को लेकर के कई तरीके के रिलैक्सेशन दिए हैं। जब डॉक्टर्स मान जाएंगे तब लालू प्रसाद यादव पटना वापस आएंगे। एक मीडिया चैनल से खास बातचीत में राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने बताया कि हम लोग लालू यादव की सेहत को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, यही वजह है कि जब तक डॉक्टर्स पूरी तरह से कंफर्म नहीं करते तब तक हम उन्हें पटना नहीं लाएंगे। इस बीच पटना में राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर भी लालू यादव के लिए जो कमरा तैयार किया जा रहा है उसमें तमाम मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध होगी, ताकि लालू यादव को जरूरत पड़ने पर कोई परेशानी ना हो। वो कमरा भी अगले कुछ दिनों में पूरी तरह तैयार हो जाएगा, ये जानकारी भोला यादव ने दी है। राजद नेता ने कहा कि अगले एक महीने के अंदर लालू यादव पटना आ जाएंगे। 21 और 22 सितंबर को पटना में पार्टी के दक्षिण बिहार अधिकारियों का जो परीक्षण समाप्त हुआ है उसे लेकर भोला यादव ने बताया कि लालू यादव ने अपने तमाम अधिकारियों को हर वक्त तैयार रहने को कहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी चुनाव को लेकर अपने पदाधिकारियों को बिल्कुल फ्रंट फुट पर रहने को कहा है। राजद नेता ने बताया कि बूथ लेवल तक जो हमने कमेटी बनाई है वो आने वाले समय में पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन का आधार बनेगी। परीक्षण शिविर में लालू यादव की बातों को लेकर भोला यादव ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों को हिदायत दी है कि वो मॉक पोल के समय जरूर अलर्ट रहें। खास तौर पर बूथ लेवल कमेटियों को इस बात का ध्यान रखना है कि जब मॉक पोल का समय हो तो वो खुद उपस्थित रहें। लालू यादव ने यह भी कहा कि जिस तरह से वाम दल संगठन छोटा होने के बावजूद हर कुछ दिनों पर अपने कैडर और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते हैं, उसी तर्ज पर हमें भी अपने बूथ कमेटी का ध्यान रखना है और तभी हम आने वाले चुनाव में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। बता दें कि चारा घोटाला के दुमका कोषागार में अवैध निकासी से जुड़े मामले में 19 मार्च 2018 से लालू प्रसाद यादव रांची के सेंट्रल जेल में सजा काट रहे थे। 17 अप्रैल को झारखंड हाई कोर्ट ने लालू को जमानत दी थी। रिहा होने के बाद भी लालू का एम्स में इलाज चल रहा है। 1 मई को डिस्चार्ज होने के बाद लालू अपनी बड़ी बेटी मिसा भारती के आवास गए, तब से लालू वहीं पर हैं। उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी दिल्ली में ही हैं। तो काफी लंबे समय से लालू प्रसाद यादव के समर्थक उनका इंतजार कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जल्द ही पटना आएंगे, इस बात की जानकारी खुद राजद के राष्ट्रीय महासचिव ने दी है। इसके लिए राबड़ी आवास पर भी तैयारियां की जा रही है, तमाम तरीके की मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में अगर लालू प्रसाद यादव पटना आते हैं और यहां पर रहते हैं तो उन्हें किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो। बता दें कि लालू प्रसाद यादव भले ही बिहार में नहीं है लेकिन बिहार की राजनीति में वो काफी सक्रिय है। वो तमाम मुद्दे को उठाते हैं और फिर बिहार सरकार और फिर केंद्र सरकार का भी घेराव करते हैं। उधर दिल्ली में रहकर ही वो विपक्ष की एकजुटता में जुटे हुए थे, क्योंकि पिछले दिनों जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उन्होंने जैसे शरद यादव, शरद पवार तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात की, उसके बाद से कयासों का बाजार गर्म हो गया। बहरहाल देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव जब वापस एक बार फिर से बिहार में अपने कदम रखेंगे तो यहाँ की क्या कुछ राजनीति होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।